बहुत बड़ी चीज़ हुई है जहाँ पर वेदिका ने नायरा को अपनी किडनी दी है। उससे लेकर अब तक 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन बाद आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्योंकि बच्चों की डिमांड थी सबने कहा और वेदिका ने सब कुछ अरेंज किया है, तो 20 दिन बाद हम एक नया रूप देखते हैं नायरा का, कार्तिक का, वेदिका का। तीनों की लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है इन 20 दिनों में, जहाँ वेदिका थोड़ी सी और स्टर्न हो चुकी है, थोड़ी सा उन्हें एक इल्यूजन में है वो इस वक्त की सब कुछ सही है, कार्तिक धीरे धीरे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं कार्तिक जो है वो जो पिछले इससे पहले 5 साल से एक प्रिजन में थे और अपने आप को दोषी मानते थे, वो आज का वेदिका की बात मान रहे हैं और उनके पास उसकी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू सी हिम वेरी रोबोटिक, सो ही इज़ ट्राइंग टू बी हैप्पी फॉर हर, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट शी सेज, तो यू सी दैट जोन फॉर द फर्स्ट टाइम। वहीं नायरा जो है उन्हें सच्चाई जाननी है, उन्हें पता करना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तो कार्तिक थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं जब वेदिका जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कायरो से, थोड़े से अनकंफर्टेबल वो पहले थे वेदिका के साथ पिछले 5 साल से, अब वो अनकंफर्टेबल और वो ऑकवर्डनेस जो थी वो सब एक एक छोटी चीज़ हो गई है उसके सामने इस वक्त। वो बस बहुत इन डेप्थ है अपने उनसे, वो बहुत ओ कर रहे हैं इस वक्त अपनी बीवी, अपने अपने लव ऑफ लाइफ जो है उनकी, नायरा की ज़िंदगी उन पे ओ कर रहे हैं। तो यू नो ही इज कम्प्लीटली इन डेप्थ एंड ही जस्ट रियली ओज दैट टू हर, एंड नाउ शी इज़ लाइक हिज मास्टर, एंड वो काफ़ी हद तक एक स्लेव महसूस करते हैं उनके, और यू नो व्हाटएवर शी सेज एट द सेम टाइम वो ऐसा बताना नहीं चाहते हैं। तो उनके सामने यही दर्शा रहे हैं कि वो खुश है और जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। वेदिका का अलग ही चल रही है चीज़ें उनके दिमाग में, जो है वो अलग ही प्लान्स चल रहे हैं, उससे कैसे पार पाएंगे? यू नो इट्स नॉट एग्जैक्टली प्लानिंग, वो ऐसे कुछ विशेष या कुछ विलन नहीं है। उन्होंने भी अपने 5 साल दिए इस घर में, और उनके फादर की डेथ कहीं ना कहीं कार्तिक को बचाने से के वजह से हुई थी, और शी डिड जेन्युइनली फॉल इन लव विद द गाय। तो इस वक्त उनका थोड़ा सा डिल्यूजनल होना और ये सारा सिचुएशन में होना इज़ नॉट वेरी विलनस, नॉट वेरी वैम्पिश, इट्स जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। एंड आप एक पॉइंट पे आ जाते हो जब आप लाइफ में थोड़े डिल्यूजनल हो जाते हो, आपको लगता है हाँ यही सब ठीक है, यही सही है, बट द ट्रूथ इज समथिंग एल्स।